फ्रेंड्स, मैं हूं अभिजीत। फ्रेंड्स, आज महाशिवरात्रि है। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी तरफ से शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं शिवरात्रि के पीछे एक स्टोरी है, वो स्टोरी बताने जा रहा हूँ। ये स्टोरी पुराण में लिखा गया है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं वो स्टोरी। देवताओं को अमर करने के लिए भगवान विष्णु देवताओं को समुद्र मंथन का सलाह दी, क्योंकि भगवान विष्णु को पता था समुद्र मंथन से अमृत उठेगा। अमृत पीने से ही देवता अमर बन जाएगा, तब असुर देवताओं को परास्त नहीं कर पाएगा। भगवान विष्णु के ये बात सुनकर देवताओं ने अमरता पाने की इच्छा में समुद्र मंथन करने के लिए असुर के साथ गठबंधन किया। मंदरा पर्वत को मंथन का छड़ी के रूप में एवं वासुकी नाग जो शिव जी का गर्दन पर रहते हैं मंथन का रस्सी बनाया गया। मगर मंदरा पर्वत माझ समुद्र में डूबने लगा। तब देवराज इंद्र एवं असुर बहुत चिंतित हुआ, क्योंकि ऐसे में मंथन कैसे होगा। तब भगवान विष्णु ने कछुआ का रूप धारण किया, जो विष्णु के कुर्मावतार नाम पे हमारे पास परिचित है, एवं ठोस वस्तु के रूप में मंदुरा पर्वत को अपने ऊपर लिया और डूबने से रोका। इसके बाद देवता और असुर मिलके समुद्र मंथन शुरू किया। देवता वासुकी नाग के दुम पकड़ा और असुर उसका मुंह की तरफ पकड़ाया था। समुद्र मंथन के समय सबसे पहले दिखाई देने वाला एक अंधेरा चिपचिप बीज था, जिसका नाम था हलाहल। जैसे कि कोई भी जहर द्वारा उत्सर्जित घातक धूपों को सहन नहीं कर सकता था। देवता और असुर दोनों स्निग्धता के कारण गिरने लगे। तब देवता और असुर मदद के लिए भगवान ब्रह्मा के पास गया, मगर उन्होंने इनकार कर दिया एवं भगवान शिव के पास जाने की सलाह दी। तब दोनों पक्ष कैलाश पर्वत जाके भगवान शिव से मदद की प्रार्थना की। ये सुन के दयालु शिव ने विष का सेवन करना चुना और उस तरह उसे पी लिया। जहर ने उसका गला चोट की तरह नीला कर दिया, इसीलिए भगवान शिव हमारे पास नीलकंठ नाम से भी परिचित है। इसी तरह शिव जी ने पूरा ब्रह्मांड को जहर के प्रभाव से मुक्त कर दिया। तो फ्रेंड्स, यही थे वो स्टोरी। शिव जी का असीम कृपा को याद करते हुए इसी दिन से हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं। फ्रेंड्स, ये स्टोरी हमारे लाइफ में तीनों शिक्षा देते हैं। पहला, प्रॉब्लम के भागने के बजाय से प्रॉब्लम को सामना करना चाहिए। द्वितीय, प्रॉब्लम जितना बड़ा आएगा हमारे लाइफ में, जीत उतना ही बड़ा इंतजार करेगा। तृतीय, हर हाल में लोगों को मदद करना चाहिए हमको। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू।